गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 6 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग अध्याय 6 से संबंधित एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है कि इन्हें परिभाषित करें, इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें, ठीक है। इसके अंतर्गत सात प्रश्न पूछे गए हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा सम कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा पुनर्युक्त कोण, ठीक है। इन सभी कोणों के बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, समझा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, अब वो बता दें पहले वीडियो में कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। इसी बात को लिखना है, लेकिन जब वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, इसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अब समझेंगे इसके उदाहरण, जैसे में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री 15 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री 65 डिग्री, सभी क्या है, सभी न्यून कोण के उदाहरण है। यानी कह सकते हैं कि 0 से 12 हो, ठीक है, 0 से 12 और 90 से छोटा, तो जैसा पता है 1 है 1 डिग्री, 5 डिग्री 10 डिग्री, 12 डिग्री 15 18, ठीक है, जा सकता है 89 डिग्री तक, ठीक है। ये क्या है, ये आपके न्यून कोण के उदाहरण है, 0 से 12 और 90 से छोटा, ठीक है, समझ चुके होंगे। और दूसरा पॉइंट है सम कोण, दिया है सम कोण, इसे समझेंगे। ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उन्हें हम सम कोण कहेंगे, और संपूर्ण बराबर रेखा क्या है एक दूसरे को लंबवत हो, लिखेंगे वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे सम कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात होता है कि दो यानी कहते हैं इसको कि एक संपूर्ण या कोण रहने वाली भुजा का एक भी पर लगा हो, यानी जैसे समझेंगे इसको एग्जाम्पल में, कोण रहने वाली भुजा क्या है बिल्कुल लंबवत हो, जैसे मान लीजिए कि क्या यहाँ जो कोण बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा डबलिंग बनेगा, क्या बनेगा बनेगा सम कोण। अब इसमें कहा गया कि कोण बनाने वाली भुजा, ठीक है, आप कंट्रोल लेंगे कोण बनाने वाली भुजा
पूर्ण बनाने वाली बनाने वाली भुजा भुजा एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, लंबवत हो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये भुजा मान लीजिए एक भुजा यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, क्या ये भुजा क्या दूसरे का क्या है, यहाँ लंबवत है, ये क्या मिला है, लंबवत मिला है। वही कहा गया है कि जिसको नब्बे के बराबर हो, सॉरी नब्बे डिग्री हो और कोण बना ले भुजा, ठीक है, यानी कोण बना रहा है ये भुजा, ठीक है, उसका कोण बना है, वो लिखा गया है कि कोण बना ले भुजा एक दूसरे को लंबवत, यहाँ क्या बन गया, हम बना सॉन्ग, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, हम बना सॉन्ग को या हम ऐसे बना सकते हैं इसको समकोण, इसमें भी जो भुजा होगा ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ का समकोण बनेगा, ठीक है, ये क्या है, ये समकोण के विचार का तीसरा है अधिक कोण, ध्यान तीसरा क्या है अधिक कोण, अधिक कोण, वैसा कोण जिसका माप, वैसा कोण जिसका माप, जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या कहेंगे, हम अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। देखेंगे जैसे मैं जैसे मान लीजिए 95 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री कमा 120 डिग्री कमा डैश डैश आ जाएगा, ये बताएगा 189 डिग्री तक, ठीक है, इनका मतलब 90 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, और 180 से कम होना चाहिए, सॉरी 189 होना चाहिए, 180 नहीं है, 180 होना चाहिए, यानी 179 होगा, 189 होगा, क्या है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 179 तक जाएगा, इसके बीच का जो भी कोण होगा, यानी 90 से अधिक और 180 के से कम के बीच का जो भी कोण होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट एक और है, वो आपका पॉइंट है पुनर्युक्त कोण, क्या है पुनर्युक्त कोण, तो इसको हम बता दे रहे हैं, ओके, ठीक है, कहीं कुछ निकालना पड़ेगा, सुन लीजिए आप लोग, पुनर्युक्त कोण इसमें आपको लिखना है कि वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है, वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 180 से बड़ा क्या जाएगा जी, 150 डिग्री, 190 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक है, 220, 240, 260, 300, 350, 355 यानी 360 हो जाएगा, यानी पढ़ सकते हैं 181 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच का जो भी कोण आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पुनर्युक्त कोण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितना बात आपको समझ चुके होंगे, सब नोट कीजिए, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।